आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम होटल जैसा चिली चिकन की रेसिपी। उसके पहले आप लोगों का यूट्यूब फैमिली का बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरे चिकन मंचूरियन की रेसिपी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप लोगों का। और इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन चिली की रेसिपी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी चिली चिकन की रेसिपी की। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है। चिकन की पीसेस को आप देख सकते हो, थोड़ा छोटा कट कर लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन नहीं लिया है, मिक्स चिकन लिया है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन यूज़ कर सकते हैं। अब एक छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच काले मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर से कलर बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी बढ़ जाता है, इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टेबल स्पून मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ। विनेगर से स्वाद चिली चिकन का बहुत बढ़ जाता है। अब आधा छोटा चम्मच के करीब में मैं सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ। अब पहले सारी चीज़ों को अच्छे से चिकन के साथ में हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारी फर्स्ट मैरिनेशन है चिकन के ऊपर, ताकि सभी चीज़ों का फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाए। इसे मिक्स करके 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से चिकन में अब्सॉर्ब हो जाएं। अब 2 मिनट बाद हम ड्राई पाउडर ऐड करेंगे इसमें। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, इसको बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनाएगा। और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैदा यूज़ कर रही हूँ। 1 अंडा इसमें तोड़ के डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से चिकन के साथ में मिक्स कर लेंगे, जब तक कि चिकन के ऊपर हमारे ये ड्राई मसाले, ड्राई पाउडर अच्छे से कोट नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें चिकन के साथ में इसे मिक्स कर लेना है। जब भी आप चिली चिकन घर पे बनाएं, इस तरह से आप एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए अच्छे से चिकन के ऊपर कोट हो गया है। अब इसे हम लगभग 1.5 से 1 घंटा तक रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, ताकि अच्छे से सारी चीज़ें चिकन के साथ अब्सॉर्ब हो जाएं, फ्लेवर अच्छे से चला जाए। अब 1.5 घंटे बाद चिकन हम अपना फ्राई करेंगे। ये देखिए तेल को मैंने गरम कर लिया है। अब एक स्पून की हेल्प से हम डाल देंगे चिकन को फ्राई करने के लिए। तेल को मैंने मीडियम हॉट गरम रखा है। अगर आपको चिकन की पीसेस बड़ी लगे तो आप इसे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। इस तरह से एक बार मैंने सारे चिकन अपने डाल दिए हैं तेल में फ्राई होने के लिए। इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें, अदरवाइज़ चिकन हो सकता है अंदर से कच्चा रह जाए, फिर वो चिकन चिली में अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। इसे फ्राई करने पे लगभग 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए बढ़िया सा ब्राउन कलर आ गया है, क्रिस्पी हो गया। अब चलिए इसकी सॉस बना लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है, उसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन को बारीक काट के ऐड कर देंगे, क्योंकि लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है चिली चिकन में। अब यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून अदरक फाइन कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं। हरी मिर्चें आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने 1 प्याज को और 1 शिमला मिर्च को क्यूब्स में कट कर लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। 2 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। इन सब्जियों को हमें पूरी तरह से पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जब तक हमारी सब्जियाँ फ्राई हो रही हैं, तब तक चलिए हम अपने होटल जैसे चिली चिकन के लिए सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं। सॉस बनाने के लिए 1 कटोरी में मैंने 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस लिया है। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे सेजवान सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून चिली सॉस है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है ये। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर विनेगर ऐड कर दूँगी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो भी सॉस को हमने इस्तेमाल किया है। इस तरह से आप चिली चिकन का सॉस बनाकर तैयार कीजिए, आपका चिली चिकन एकदम होटल जैसे जैसे रेस्टोरेंट में बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार होगा। सब्जियां भी हमारी भुनकर तैयार हो गई हैं 2 मिनट। अब हमने जो सॉस बना के रखी है उसे भी ऐड कर देंगे चिली चिकन में, और इसे लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। एक बढ़िया सा उबाल आ जाए इसमें, 1 मिनट तक हमारी सॉस ऐसे ही सब्जियों के साथ में हम पका लेंगे। उसके बाद पानी ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 1.5 से 2 कप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं,
पर मैं यहाँ पे चिली चिकन में मीडियम कंसिस्टेंसी में सॉस बनाकर तैयार करूँगी। फिर मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून पानी के साथ में कॉर्नफ्लोर स्लरी बना लिया है। अब इसको सॉस में ऐड कर देंगे। ये हमारे सॉस को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देगी और एक शाइन सा इस पर आ जाएगा। तो ये कॉर्नफ्लोर की स्लरी आप ज़रूर ऐड करें सॉस में। अब देखिए इसे अच्छे से मिक्स करके हम पका लेंगे। अब इसमें और मसाले डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक सॉसेज में होता है तो बहुत ज़्यादा नमक आप इस पर ना डालें। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे चीनी डाली हूँ, क्योंकि मैंने जो सॉस डाला है उसको बैलेंस करने के लिए चीनी आप ज़रूर ऐड करें, ताकि जो भी तीखापन खट्टापन है वो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। अब जो हमने चिकन पकाए थे उसे डाल देंगे, और चिकन ऐड करने के बाद में हम इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि सॉस का फ्लेवर अच्छे से चिकन में चला जाए और चिकन भी हमारा अच्छे से सॉस के साथ में मिक्स हो जाए। जब भी आप इस तरह से होटल में जैसे बनता है, जैसे रेस्टोरेंट में बनता है चिली चिकन बनाकर तैयार करेंगे, तो बिल्कुल स्वाद वैसा ही आएगा, आपको बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं लगेगा। 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर तेल डाल रही हूँ इसका और भी फ्लेवर बढ़ाने के लिए। तो लीजिए, आप बिल्कुल चिली चिकन होटल जैसा तैयार हो गया है खाने के लिए। ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे, हरा धनिया से गार्निशिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है, हरा प्याज है, तो उसके साथ आप करें, बट जो भी घर में अवेलेबल हो उसी से आप कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्प्रिंग ऑनियन ही होना चाहिए। ये देखिए, हमारी ही चिली चिकन बिल्कुल होटल जैसा खाने के लिए तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी चिली चिकन की रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, तभी आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।